Hi friends, I'm Shosh. Let's learn one-digit subtraction. Let's start. This sign is used for subtraction and its name is minus. Subtraction yani kya? Ghatana ya nikalna ya kam karna. To ab shuru karte hain. फर्स्ट एग्जाम्पल में 4 माइनस 3 दिया है तो हम यहाँ 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ 3 दिया है तो हम 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3 तो ये लाइन यहाँ कट गई और ये लाइन यहाँ कट गई ये लाइन यहाँ यहाँ ये यहाँ यहाँ तो कितने बचे 1 तो हमारा आंसर आएगा 1 इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं कैसे तो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक काउंटिंग करेंगे तो छोटा नंबर 3 है तो 3 और बड़ा नंबर 4 है तो 3 से 4 तक काउंटिंग करेंगे 3, 4 कितना आया 1 यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 नेक्स्ट एग्जांपल में 7 माइनस 5 दिया है तो हम यहां 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 उसमें 5 और 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 तो ये यहाँ लाइन कट गई ये यहाँ लाइन कट गई ये यहाँ 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 और ये लाइन कट गई ये लाइन कट गई तो कितने बचे 1, 2 तो हमारा आंसर आया 2 मतलब हम अब अलग तरीके से भी कर सकते हैं कैसे स्मॉल नंबर से बिग नंबर तक काउंटिंग करेंगे 5, 6, 7 नया 2 यानी 7 माइनस 2 इज 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 थर्ड एग्जांपल में 6 माइनस 2 दिया है तो 6 माइनस 2 में स्मॉल नंबर 2 है तो 2 से 6 तक काउंटिंग करेंगे 3, 4, 5, 6 कितना आया 4 तो हमारा आंसर आया 4 यानी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 फोर्थ एग्जांपल में 9 माइनस 1 दिया है तो 9 माइनस 1 में 1 स्मॉल है तो 1 से 9 तक काउंटिंग करेंगे 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 कितना आया 8 तो हमारा आंसर आया 8 यानी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 नेक्स्ट एग्जांपल में 3 माइनस 0 दिया है तो 3 माइनस 0 में 0 स्मॉल है तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 कितना आया 3 ही आया तो हमारा आंसर आया 3 यानी 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 नेक्स्ट एग्जांपल में 5 माइनस 4 दिया है तो 5 माइनस 4 में 4 स्मॉल है तो 4 से 5 तक काउंटिंग करेंगे 4, 5 कितना आया 1 तो यहाँ आएगा 1 यानी 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 लेट्स डिवाइड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 3 माइनस
minus 0 is equal to 3 and 5 minus 4 is equal to 1.